मैया सम्मान योजना 2500 रुपये किस्त। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राज्य की सभी महिलाओं एवं बहनों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए मैया सम्मान योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1000 की धनराशि सहायता के रूप में दी जाती है, ताकि महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि इस योजना के तहत हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता राशि सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन हाल ही में हेमंत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत राज्य की सभी महिलाओं को अब 1000 की राशि नहीं बल्कि 2500 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। सरकार ने इस योजना की धनराशि को बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार जानकारी देंगे। कृपया आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है? झारखंड सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य की सभी लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1000 की राशि दी जाती है। लेकिन राज्य द्वारा अब इस राशि को बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। हेमंत सरकार ने इस सहायता राशि को बढ़ोतरी करके 2500 रुपये हर महीने देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत लाखों महिलाओं ने आवेदन किया है और जिसके आवेदन स्वीकृति कर ली गई है, उनके खाते में हर महीने इस योजना की किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मैया सम्मान योजना 2500 रुपये किस्त। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही सभी महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 1000 की किस्त दी जाती है, लेकिन हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इस राशि में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। अब सभी लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पांचवी किस्त से सभी महिलाओं के खाते में 2500 आना शुरू हो जाएगा। यह धनराशि महिलाओं के आगे चलकर हर महीने प्राप्त होंगे। राज्य की लाखों महिला इस खुशखबरी को सुनकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। यह उनके लिए बहुत ही बड़ा उपहार है। इससे राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा और वह आत्मनिर्भर बनेंगी। इसीलिए अभी तक जिन महिलाओं ने भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, उनसे हमारा आग्रह है कि वह जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर दें और इसका लाभ उठाएं। मैया सम्मान योजना का लाभ किन्हें मिलेगा? इस योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य में रहने वाली आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को ही मिलेगा। जिन महिलाओं की आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच है, वह इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आवेदन करने वाली महिला के पास अपना एक बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना की किस्त सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी करें आवेदन। जिन महिलाओं ने भी अभी तक मैया सम्मान योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, वह दिसंबर महीने तक आवेदन कर सकती हैं। ऐसी महिला जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन जमा नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन है कि वह सभी महिला जन सेवा केंद्र में जाकर अपना आवेदन जमा कर दें। आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको जन सेवा में ले जाकर जमा कर देना है। इसके बाद वहां के कर्मचारी आपका आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक्स।